नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। दानापुर में जदयू नेता की हत्या मामले में एसएसपी का बड़ा खुलासा। अभी तक की जांच में जो बातें सामने रही हैं, आगामी नगर परिषद के चुनाव के साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला हो सकता है। अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामला दर्ज होते ही पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में तेजी आएगी। एसएसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाल लिया है और जांच की जा रही है। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला मामले में एसएसपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उस युवक का इलाज मनोचिकित्सक से कराया जा रहा है। अभी तक की जांच में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। एसएसपी ने यह भी कहा है कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही उसके मानसिक स्थिति के बारे में कुछ कहा जा सकता है। कल दानापुर में जदयू नेता की हत्या की गई है, कैसे सब हुआ, क्या लगता है? ये कल 9:40 की मामला है। ये आ रहे थे, एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे। जैसे अपने घर के पास पहुंचे हैं तो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी उतारी, इन्होंने उतरे, फिर वहां से कुछ इनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको देखने के लिए चले। इसी क्रम में जो कुछ साक्षियों का बताना है कि तीन लड़का एक बाइक पे आया और टोटल 5 गोली फायर किया, जिनमें से 3 इनकी बॉडी पे लगी, फिर इनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहाँ पर इनको मृत घोषित किया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एफआईआर होने का। थोड़ा इसके बीच में कुछ क्लोज जोन के जो परिजन है उन लोगों से हमारा बातचीत हुआ था, उन लोगों ने कुछ बातें हम लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी तो फिर आगे की उसी दिशा में अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। सर, किस मामले में हत्या कुछ लग रहा है सर? इस पे देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसमें जो दो मेन चीज़ें आ रही हैं, एक तो भूमि के साथ संबंधित विवाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कर रहा है, एक आ रहा है कि जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी रंजिश हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर तभी हम लोग आगे की बात करेंगे जब औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज होगी, क्योंकि घर वाले उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को कोई ना कोई हिंट जरूर। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने ले लिया है, वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है और तकनीकी विश्लेषण वाला हमारा काम ऑलरेडी जा चुका है। FSL की जो टीम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साइट को विजिट कर चुकी है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो थे जो जिन्होंने घटना को देखा उनका बयान हम लोग ऑलरेडी कलमबंद कर चुके हैं। केवल और केवल हम सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने की वेट कर रहे हैं। सर, एक चीज और है सर, कि मुख्यमंत्री का जो मामला था जिस शख्स को आप लोगों ने पकड़ा था, ये भी कहा जा रहा था कि उसकी जांच की जा रही है, क्या सर उसमें अपडेट? उसमें सारे जांच किया जा चुका है उनका, उसका कोई भी किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि उसके या उसके परिजनों का नहीं पाया गया है। उसके बाद उसका जो निर्देश था उसका हम लोगों ने प्रिलिमिनरी हेल्थ असेसमेंट वहां से CHC से करवाया गया, फिर उसको वहां से सेक्रेटरी वार्ड PMC में रेफर किया गया जहां पे उसका इलाज चल रहा है और उसका पूरा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।